हेलो एवरीवन। कई बार हम लोगों ने देखा है कि 307 के मामलों को कोर्ट 324 में अथवा 325 में अथवा 326 में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसे कौन से केस लॉज हैं जो 307 को 324 325 और 326 यानी ग्रीवियस हर्ट अथवा सिंपल हर्ट में कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि धारा 307 में इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंजुरी की बनिस्बत, और 307 को चार्ज के समय यानी एट द टाइम ऑफ चार्ज अगर कुछ अच्छी तरीके से बहस की जाए, यदि केस के फैक्ट्स को देखते हुए यदि न्यायालय को यह दर्शा दिया जाए कि 307 का जो स्क्वायर है, 307 की जो सर्कमफेरेंस है उसके अंतर्गत उनका मामला नहीं आता है, तो चार्ज के दौरान ही यह मामला 324 में, 325 में अथवा 326 में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ आपको दर्शाना पड़ेगा इंटेंशन, यानी जो अक्यूज का जो इंटेंशन था, यानी आरोपियों का जो इंटेंशन था वो जान से मारने की नियत का नहीं था। आज का केस लॉ इसी पर बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो 307 को यानी हत्या के प्रयास के केस को कन्वर्ट करता है 324 में, और आई होप इसके जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो आज का लेक्चर है धारा 307 यानी हत्या का प्रयास और इसका इंपॉर्टेंट जजमेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, एन इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो इस केस का नाम है सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सेशन कोर्ट ने 307 में कन्विट किया, पटना हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को कंफर्म किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आते आते एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा हुई और जिसकी वजह से 307 को 324 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कंटिन्यूअसली कॉन्करेंट फाइंडिंग होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज किया। आइए समझते हैं इस केस में है क्या। इस केस को सबसे पहले याद रखेंगे सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 843। तो इट इज द केस। तो इस केस में धारा 307 को कन्वर्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 324, यानी जो कन्विक्शन था 307 का, जो कन्विक्शन था वो कन्वर्ट हो गया बाय द सिंपल इंजुरी, यानी सिंपल इंजुरी में कन्वर्ट कर दिया गया 324 में सिंपल इंजुरी बाय द वीपन, यानी चूंकि इसमें इस केस में छुरे का उपयोग हुआ था इसलिए 324 इसमें लगी। आइए समझते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। अब ये केस जो था पटना हाईकोर्ट द्वारा भी अपील जो थी नीचे से अपील अक्यूज की जो अपील थी वो सब डिसमिस कर दी गई थी। पटना हाईकोर्ट की डिसमिस होने के बाद ये जो सरजू प्रसाद ही वॉज द कन्विक्टेड पर्सन, यही कन्विक्टेड व्यक्ति था जिसने अपील की, और यहां पर अपील बाय स्पेशल लीव, और न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव विशेष इजाजत से अपील को मंजूर किया और सुनवाई की। अब इस केस के जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि दो पर्सन इंजोर हुए थे, यानी दो लोगों को इंजुरी पहुंचाई गई थी, और ये जो अक्यूज्ड है सरजू प्रसाद ही इन्फ्लिक्टेड द इंजुरी विद छुरा, एक छुरे का उपयोग हुआ था जिसमें विटनेसेस ने भी कहा नीचे ट्रायल में कि छुरे का उपयोग हुआ है, और छुरे से सरजू प्रसाद ने वाइटल पार्ट पे इंजुरी पहुंचाई है, यानी पेट पे छुरा मारा था तो ये वाइटल पार्ट माना गया। तो टू पर्सन वर इंजोर्ड बाय द छुरा एट द वाइटल पार्ट, दैट इज वाई कन्विक्शन वॉज हेल्ड अंडर सेक्शन 307, इसीलिए कन्विक्शन हुई 307 में। तो सेशन कोर्ट जो थे उन्होंने, सेशन जज ने कन्विक्ट किया अक्यूज को अंडर सेक्शन 307 एंड 7 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट यानी 7 साल का कठोर कारावास दिया। मामला अपील में जब गया पटना हाईकोर्ट के सामने तो पटना हाईकोर्ट ने भी उस अपील को डिसमिस कर दिया, अक्यूज की अपील जो थी पटना हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी, और इस वजह से यह अपील किसके पास आ गई, सुप्रीम कोर्ट में। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है, जो न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा मामला देखा, सारे फैक्ट्स देखे, और जो प्रीवियस जजमेंट्स थे, जो प्रेसिडेंट थे 307 पे, उन प्रेसिडेंट्स की भी इसमें चर्चा की गई है, तो वेरियस ओल्ड प्रेसिडेंट वर ऑल्सो टेकन अप बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड विटनेसेस कोर्ट ने कहा कि विटनेसेस ने भले ही छुरे का नाम लिया है कि छुरा उपयोग हुआ है, लेकिन इस केस में छुरा जो था वो रिकवर्ड नहीं हुआ था, इट वॉज जो छुरा था वो प्रोसिक्यूशन ने रिकवर्ड नहीं किया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइटल पार्ट पर हमला जरूर हुआ लेकिन वाइटल पार्ट इंजोर्ड नहीं हुआ था, और छुरा चूंकि रिकवर्ड नहीं हुआ है तो इसीलिए छुरे की लंबाई कितनी थी, क्या वो छुरा पेनिट्रेट कर सकता था एब्डोमेन को, एब्डोमेन मतलब वाइटल पार्ट पेट पे, क्या कितने अंदर तक कितनी गहराई तक वह चोट पहुंचा सकता था, ये सारी बातें प्रोसिक्यूशन सिद्ध करने में असफल रहा है, और इसका शंका का लाभ सीधे सीधे किसको मिलेगा, अक्यूज्ड को मिलेगा।
तो छुरा वॉज नॉट रिकवर्ड, इस केस में छुरा रिकवर्ड नहीं हुआ था। हालांकि विटनेसेस ने जरूर कहा था कि छुरे से वाइटल पार्ट पे हमला किया गया है, और इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 307 का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर में ये केस नहीं आता है, और इस वजह से द कन्विक्शन वॉज कन्वर्टेड इंटू 324, यानी 307 का जो कन्विक्शन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 324 में कन्वर्ट किया। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि 307 में इंटेंशन एंड नॉलेज टू किल द पर्सन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंजुरी इज नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंट, इंजुरी से ज्यादा इंटेंशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो मित्रों ये है इंपॉर्टेंट केसला सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार IR 1965 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 843, जो अनेक 307 के केसेस में डिफेंस की ओर से डिफेंस जो है इस केस में लिया जा सकता है साइटेशन को। अगर इस प्रकार के फैक्ट्स हैं तो ये साइटेशन बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा जो 307 को 324 में कन्वर्ट करवाएगा। तो ये है आज का केस लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।